पिक्चर अभी बाकी है। जयपुर के बाद अब मैं मनाली आ गया हूँ। वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वक्त मैं हूँ मनाली में, और मनाली मेरा काम को लेके बहुत आना जाना होता है। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसमें एज अ ग्रुप लीडर मैं ट्रिप्स लेके जाता हूँ। तो मनाली, हिमाचल में मनाली बहुत आना होता है मेरा। तो इस बार फिर से मैं अभी मनाली में हूँ। तो मनाली में अभी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। वैसे तो आज वेदर बहुत ही खुला हुआ है, अभी कुछ दिन तक स्नोफॉल के चांसेस नहीं है, बट सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल यहाँ पर हो चुका है। और आज मैं यहाँ पर बहुत एक खास आदमी से मिलने जा रहा हूँ। उनसे 2-3 महीने पहले मिला था, बट आज ऐसा हो पाया कि हम लोग साथ में ब्लॉग कर सके। थोड़ी देर में मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। फिलहाल मनाली में वेदर काफ़ी अच्छा है। और मनाली में मैं जहाँ रुका हूँ वो 7 किलोमीटर मॉल रोड से दूर है। इस जगह का नाम है बुरवा विलेज। तो अभी मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। तो अभी मनाली में ऊपर की पहाड़ियों पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी। तो अभी जो स्नोफॉल हुई है अभी ऊपर की पहाड़ियों पे हुई है। अभी थोड़े ही दिन में ये पूरा ही वाइट हो जाएगा, ये सब एकदम बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा 10 से 15 दिन के बाद ही। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल स्टे इन मनाली, तो मॉल रोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो बुरवा विलेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉटेज, होटल्स वगैरह सब है इस लोकेशन पर। आप पीछे देखो कितना प्यारा व्यू है। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, बट आपके पास या तो खुद की स्कूटी, बाइक या कार होनी चाहिए, या फिर आप रेंट कर सकते हो। और ये जो आपको सामने प्रॉपर्टी दिख रही है पैराडाइज करके, ये नेहरू कुंड के एकदम पास में ही है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वहाँ से नेहरू कुंड तक पैदल चल के आया, और वहाँ से मैंने बस ले ली है मॉल रोड तक के लिए। तो 2 बस चेंज करके, पहले तो मैं नेहरू कुंड तक वॉक करके आया, तो 2 बसें चेंज करके मैं अभी पहुंचा हूँ रांगरी। और मेरे साथ हैं यहाँ पे अश्वनी भाई। हेलो जी, हाउ आर यू? गाय फ्रॉम मनाली। तो भाई ने अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है। और अभी मैं भाई से 3 महीने पहले यहाँ से मिल के गया था। तो 3 महीने इन भाई से मिलने के बाद ही चैनल उठ गया मेरा। अभी भी मिलने से ही अभी आपका और उठेगा। अभी 7,500 सब्सक्राइबर थे मेरे जब मैं भाई से मिला था, और अभी मैं वापस मिल रहा हूँ तो अभी 17,000 के करीब है मेरे। अभी 20,000 हो ही जाएंगे आई थिंक इस महीने के एंड तक। पहली बार भाई से मिला था तो हम दोनों ने, भाई ने बोला था कि चलो हम करेंगे कुछ साथ में। तो 3 महीने बाद आज हम दोनों एक व्लॉग में आ पाए हैं। अभी मैं मनाली जो है अभी इनसे मिलने के लिए ही आया था मैं। मैंने हमने सोचा था कि हम साथ में ही ब्लॉग करेंगे, करेगा चैनल ग्रो करेगा। विंटर्स आगे, विंटर्स में और ज़्यादा करेगा। हाँ, होपफुली अभी हम आपको आने वाले टाइम पे साथ दिखेंगे अभी ब्लॉग्स में। तो अभी भाई फ़िलहाल यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उधर सलमान भाई की ब्रेसलेट और इधर अश्वनी भाई की जिप्सी बहुत ही फेमस है। ये बहुत फेमस हो गई है। तो ये भाई अभी यहाँ पे रांगरी में जिप्सी का काम कराने आए थे। तो यहाँ पे ही भाई ने बोला कि आप इधर ही आ जाओ, यहीं पर अपन मिलते हैं। तो ये है गाय फ्रॉम मनाली का स्टिकर, और ये है भाई की जिप्सी। मेरी गाड़ी का सारा काम यही होता है। हाँ, तो भाई के सारा जिप्सी का काम जो है ये रांगरी में यहाँ होता है, शिवम ऑटोमोबाइल्स। क्या करा रहे हो आप इसमें आज? ये एक्चुअली ये वाली जिप्सी मैंने नहीं लाई हुई है। अच्छा, पहले दूसरी थी ग्रीन वाली जो मेरे सब्सक्राइबर को पता है। हाँ, सब्सक्राइबर वाला। इसका हार्ड टॉप सेट करवाने को है, अभी धीरे धीरे करके इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये निकाल दोगे आप हार्ड टॉप? ये निकाल के इसको अच्छे से सेट करेंगे ताकि आवाज़ ना करे। ये थोड़ा सा हार्ड टॉप आवाज़ करता है। अच्छा अच्छा, ये ओके। अभी मॉडिफिकेशन इसमें स्टार्ट की हुई है, अभी तक तो कुछ भी नहीं करवाया। तो विंटर के लिए एकदम फुल ऑन रेडी हो रही है। हाँ, विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स के लिए जिप्सी रेडी हो रही है अभी। उसके बाद आपको गर्मा गर्म व्लॉग्स दिखेंगे मेरे भी और भाई के चैनल पे भी। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी भाई का जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना। आप एक बार चेक करना भाई के जो कंटेंट है एकदम। भाई मनाली के ही रहने वाले हैं, दैट्स व्हाई गाय फ्रॉम मनाली। हाँ, तभी इनका चैनल का नाम गाय फ्रॉम मनाली है। भाई वशिष्ठ में रहते हैं, तो मैं वहीं पर इनसे मिला था। तो नहीं अभी करेगा, आपका चैनल भी ग्रो करेगा डेली। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि डेली व्लॉग चाहिए। हाँ, डेली व्लॉग ही ग्रो होगा। अभी डेली व्लॉग में भाई बता रहे हैं कि जब से इन्होंने डेली व्लॉग शुरू करा तब से चैनल ग्रो होना बहुत स्टार्ट हो गया है। तो मैंने भी सोचा है कि ये ना बहुत बड़ा फैक्ट है, जो बंदा डेली व्लॉग करता है ना वही आज की डेट में ग्रो कर रहा है। हफ्ते में आप एक वीडियो, वो ना एनालिटिक्स होता है यूट्यूब का ना। हाँ, वो एल्गोरिदम के हिसाब से आप डेली करोगे तो वो शो होती रहती है। तो मैं भी डेली व्लॉग्स पे आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैंने एक नंबर दिमाग में सोच रखा है कि वो सब्सक्राइबर मैं कम से कम 30 के तो हिट कर जाऊँ, उसके बाद मैं डेली व्लॉग्स करूँगा। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। तो मनाली में अच्छी वाली ठंड हो गई है, तो अभी हम लोग चाय ज़रूरी है। चाय ज़रूरी है, अभी चाय पी रहे हैं अभी हम। तो इस मार्च तक मैंने टारगेट रखा है कि 50,000 सब्सक्राइबर कम से कम मेरे पूरे हो जाएं, है ना, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। हो जाएंगे और इजीली हो जाएंगे। एंड आई विश यू के भाई आपका दिसंबर जनवरी जितनी जल्दी हो सके 100 के हो जाए। और अभी भाई ने अभी अनुना सूद के साथ जो भी 2-3 ब्लॉग्स किए थे वो वीडियो आप जाके देखो, क्या तोड़ वीडियो है वो सब, ड्रोन शॉट अच्छे आ गए, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं वो जो अनुना सूद के साथ इन्होंने अभी किया है, तो वो जाके देखो आप। बस अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मनाली अभी ये सब बर्फ़ से ढकने वाला है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो सुनते हैं कि अरे मनाली में स्नोफॉल होने लगी, वो पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले वेदर फोरकास्ट चेक करना है, अगर उस हिसाब से आप अपना ट्रिप प्लान करो। अगर आप ये सुनोगे अरे मनाली में स्नोफॉल शुरू हो गई और आप आ जाओगे, तो बस आपको स्नो तो दिख जाएगा। स्नोफॉल अगर देखना है तो उसके लिए वेदर फोरकास्ट चेक करके आया करो आप। भाई के साथ प्लान था आज मेरा कि हम लोग कहीं जाने वाले थे, शॉर्ट राइड पर ही मनाली के आसपास ही कहीं, लेकिन आज भाई को कुछ काम आ गया तो ये प्लान कैंसिल हो गया है। मतलब कैंसिल हो गया मतलब पोस्टपोन हो गया। अब ये करेंगे हम बाद में। यहाँ पे सिर्फ जिप्सियाँ ही जिप्सियाँ हैं, अभी एक नहीं एक और जिप्सी आई है। यहाँ पे जिप्सियाँ इसलिए क्योंकि बर्फ़ पड़ने वाली है। गर्मियों में जिप्सी नहीं दिखेगी, बर्फ़ में जिप्सी जिप्सी। ये देखो और बढ़िया। तो मैं मनाली इतना आ चुका हूँ, मेरा कितना काम चलता है मनाली में कि बहुत लोग यहाँ पे जाने वाले। अभी ये एक्सीडेंट अभी अचानक से मिल गया। ये जिप्सी की जो कलर है एकदम सॉलिड है, एक नंबर। यहाँ से देखो आप, ये क्या सॉलिड लग रही है जिप्सी। अश्वनी भाई की जिप्सी का तो अभी काम चल रहा है, तो मैं साहिल की जिप्सी में अभी एक राइड लेने आया हूँ। और ये जिप्सी क्या, इसने बहुत ही तगड़ी मॉडिफाई करा रखी है। और कितने में पड़ा ये? 4.5-5 लाख? नहीं, ज़्यादा पड़ा, ज़्यादा में पड़ गया। तो मतलब ये समझ लो कि मॉडल इसने पहले खरीदी है, उसके बाद इसको मॉडलिंग कराई है इसकी, है ना। ओके, शाम होने वाली है और वैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। अब साहिल की जो एज है ना वो 22-23 साल ही है। आपको देख के थोड़ा लगता होगा कि ज़्यादा एज का ही है, बट अभी 22-23 साल का ही है ये साहिल। तो इधर आते मनाली में चूँकि मेरा काफ़ी आना जाना होता है कंपनी के काम की वजह से, तो यहाँ पे मैं बहुत लोगों को जानने लगा हूँ। तो साहिल को भी मैं ऐसे ही जानता हूँ, है ना। अभी अश्वनी भाई से मिलने आया था तो साहिल आज अचानक से मिल गया। एक दिन मैंने इसको डाल दिया ब्लॉग में ना। हाँ। सारे इसके दोस्त कमेंट कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्लासमेट है साहिल मोटा बोला, ये तो क्लासमेट है हमारा। वही तो मैंने अभी ब्लॉग में बोला कि इसकी एज अभी 22-23 साल ही है ना। तो पहले भाई की ये वाली ऐसी वाली जिप्सी थी ग्रीन कलर की, लेकिन अब भाई ने वाइट कलर की जिप्सी ली है। अब उसका भी बहुत काम बाकी है अभी। तो अब शाम हो गई है, तो अब मैं अश्वनी भाई से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच के आपने आज मेरा रूटीन देख लिया आपने। क्या? हाँ, मेरा रूटीन यही है। हाँ, तो अश्वनी भाई के साथ बहुत जल्द अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो आई थिंक 15-20 दिन के बाद ही। हाँ, बर्फ़ पड़ेगी। हाँ, जब बर्फ़ पड़ने लगेगी तो हमारा कुछ प्लान है, वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। स्नोफॉल का प्लान है थोड़ा। हाँ, जब अभी स्नोफॉल पड़ने लगेगी फिर हम साथ में व्लॉग करेंगे। सो थैंक यू सो मच अश्विनी भाई, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बहुत जल्द। और फिलहाल मैं सारे सपोर्ट करो, कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी है। हाँ, तो आज तो व्लॉग और अच्छी हो सकती थी क्योंकि आज अगर हम कहीं निकलने वाले थे, लेकिन आज भाई को कुछ काम आ गया और जिप्सी का भी इनको कुछ काम कराना था, वरना तो आज काम एक साथ आ गया। हाँ, वरना तो आज हमने प्लान किया था हम यहाँ से कहीं बाहर जाने वाले, तो शॉर्ट ट्रिप रहती है आज की। तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो सोनी भाई से मिल लिया है और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। और साहिल मिल गया आते टाइम, तो मेरे को बस लेनी पड़ी। अब साहिल मिल गया है तो अभी मैं साहिल के साथ थोड़ा घूमूंगा इधर ही। मॉल रोड भी हम जाएंगे, उस साहिल मेरे को मेरे स्टे पे ड्रॉप कर देगा। तो मॉल रोड के पीछे इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने आए हैं अभी हम, तो इधर ही गाड़ी खड़ी करके फिर जाएंगे मॉल रोड पे। तो शाम हो गई है और ठंड बढ़ने लगी है, तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने अभी हम आ गए हैं ताना कॉफ़ी हाउस में। ये एकदम मॉल रोड के सेंटर में ही है और यहाँ से देखो पूरा मॉल रोड दिखता है, एक नंबर। और मैंने जैकेट डाली नहीं है अच्छी वाली, ये डेनिम जैकेट बस नाम का ही है। तो ठंडी लग रही है मुझे, तो इससे पहले कि ठंड ज़्यादा बढ़ जाए कॉफ़ी पी के निकलेंगे यहाँ से। तो ज़ोरदार ठंड हो गई है अभी शाम को। हाँ, साहिल को जानने वाले हर जगह ही मिल जा रहे हैं। बड़ी ठंडी है अभी यहाँ पे। ऊपर कनाडा पिज़्ज़ा, यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ पे लापिनोज़ भी ओपन हो चुका है। और सामने ये कैफ़े 1986, ये भी बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मॉल रोड पे ज़्यादा देर रुका नहीं था मैं, क्योंकि ठंड लग रही थी। जैकेट मैंने डाला नहीं था अच्छा वाला, तो ठंड लग रही थी उस डेनिम जैकेट में। और मैं जहाँ रुक रहा हूँ इसकी सारी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये बुरवा विलेज में ये जगह है, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। बहुत अच्छा स्टे रहेगा, इतनी शांति है यहाँ पे, आप पूछो ही मत। बाकी अश्वनी भाई के साथ कल मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपको व्लॉग सब भाई के साथ दिखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।